आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको बता दें, ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की टीम पिछले दिनों ओडिशा के दौरे पर थी, जहां पंचायती चुनाव होने थे, जिसके ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके हमने खबरें आप तक पहुंचाई थी। और अब ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कई राजनीतिक पार्टियां इन विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व को बचा रही हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का सवाल है। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आई है अमेठी से। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अमेठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, कई राजनीतिक पार्टियों के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई, तो कई राजनीतिक पार्टियों के लिए साख का सवाल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताने के लिए कई राजनीतिक दिग्गज मैदान में। घमासान चुनावी मंजर को और तेज करने के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने भी भाजपा को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह का समर्थन किया और अपनी पूरी टीम के साथ श्री शूलपानी सिंह पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में लग गए। इस मौके पर नागपुर महाराष्ट्र से डॉक्टर चंदन सिंह रोटेल ने चुनावी प्रचार में भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं शूलपानी सिंह ने मीडिया के समक्ष क्या कहा। मैं आया हूं खासकर, और हमारी पूरी टीम लगभग हम लोग 20-22 लोग आए हुए हैं क्षेत्र पे काम करने के लिए। राजा साहब का समर्थन फुल हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को कई अनेक छोटे बड़े दल समर्थन देने मैदान में उतर आए, ताकि विपक्षी दलों को करारा जवाब दे सके। अब देखना है कि श्री रामलला और गंगा मैया का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में ये थी हमारी खास खबर अमेठी से। यूपी चुनाव की तमाम ताजा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़, हमेशा सच के साथ।